Hi, this is Manish Sharma. Welcome to my YouTube channel. So start करते हैं निफ्टी मैग्निफिकेशन एनालिसिस कल के सेशन के लिए and we'll discuss the stocks as well. So मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बुलिश व्यू है. बैंक निफ्टी का मैंने आपको टारगेट भी दिया था 23,000 एंड 23,500 तक का, और निफ्टी का मैंने आपको टारगेट भी दिया था 11,800 एंड 11,900. लास्ट तीन चार वीडियो से मैं क्लियरली आपको बोलते जा रहा हूँ कि बुलिश व्यू है. 11,500 600 निफ्टी था, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि 11,800 11,900 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में. और बैंक निफ्टी भी मैंने आपको क्लियरली बोला था 23,500 तक के टारगेट पॉसिबल है. दोनों ही मैंने जो टारगेट दिए थे वो दोनों ही टारगेट अचीव हो चुके हैं. डेफिनेटली आप लोगों ने इंडेक्स में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा अगर आपने इंडेक्स का व्यू फॉलो किया है तो. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने इंडेक्स में प्रॉफिट कमाया है. अब जो व्यू है वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है. 12,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए एंड 23,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए. मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है और एक दो दिन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है. तो आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा, आपको ध्यान से ट्रेडिंग करना पड़ेगा. एक दो दिन थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाटा स्टील सेल दिया था 370 के नीचे. इसमें सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ तो इसमें हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है. मैंने आपको एमएफएसएल सेल दिया था 607 के नीचे. इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा. मैंने आपको माइंडट्री बाय दिया था. इसमें आपको डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉफिट आया होगा क्योंकि मैंने आपको बाय दिया था 1410 के ऊपर और ये 1580 तक जाके आया है. इसमें डेफिनेटली आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा अगर आपने इसमें ट्रेड किया और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल फॉलो किया है तो इसमें आपको बड़ा प्रॉफिट आया होगा माइंडट्री में. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. कल के सेशन के लिए आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. सो सबसे पहला स्टॉक होगा इंडियाबुल्स फाइनेंस. अगर आप देखो ये फॉल आया था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और वापस फॉल कंटिन्यू हो रहा है. काफ़ी वीक स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे इंडियाबुल्स फाइनेंस का. मुझे लगता है इसमें और शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है. 140 135 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडियाबुल्स फाइनेंस में. सो एक्जैक्टली कौन से लेवल पर सेल करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. नेक्स्ट स्टॉक होगा इंडिगो. इंडिगो का भी स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी वीक लग रहा है. इंडिगो में अगर आप देखो डबल टॉप फॉर्मेशन है और मुझे लगता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है. सो इंडिगो भी काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा. एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. एंड लास्ट स्टॉक होगा आईजीएल. आईजीएल का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है कभी भी, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो एक अच्छा आपको हमें देखने को मिल सकता है. सो एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. लेकिन आईजीएल का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए और 420 430 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईजीएल में. आईजीएल में आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है. अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और माइंडट्री के बारे में ज़रूर कुछ कमेंट लिखना क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रेड दिया है और आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा अगर आपने ट्रेड किया है तो. इतना बड़ा प्रॉफिट वाला ट्रेड मैंने आपको माइंडट्री में यूट्यूब पे लाइव दिया है और मैंने आपको क्लियरली पहले ही बता दिया था. निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था. तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहो. चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो ताकि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो और ग्रो करती रहे. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियो से लर्निंग एंड अर्निंग दोनों मिलती रहे. So thanks a lot for watching the video. See you in the next video.